हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक एडवाइज़र। तो दोस्तों, आज ही आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टर थ्री के रिज़ल्ट आए हैं, तो उसको आज हम स्टडी करेंगे और बाद में देखेंगे कि क्या स्टॉक में कोई पोजीशन बनती है या नहीं। पहले हम आईसीआईसीआई बैंक का प्रोफाइल देख लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, मार्केट कैप भी तकरीबन 2,35,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उस हिसाब से ये लार्ज कैप में आता है और करंट मार्केट प्राइस 365 रुपीज़ है। तो डायरेक्टली हम जंप करते हैं इसके रिज़ल्ट एनालिसिस पे। अब हम पहले देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे। नॉर्मली बैंक के जो रिज़ल्ट रहते हैं वो ईयर ऑन ईयर पे ही कंपेयर किए जाते हैं, बट हमने यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी लगा दिया है क्योंकि सिक्वेंशियल ग्रोथ के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। बट जहाँ हम कितनी टेक्निकल टर्म्स की बात करें या फिर टेक्निकल व्यू की बात करें, तो जो बैंक के जो रिज़ल्ट रहते हैं उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही कंपेयर किया जाता है। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर बात करें तो कंपनी का इंटरेस्ट अर्न भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 17% की जंप है। स्पेशली आप यहाँ पर फोकस कीजिए, जो NPAs है उसमें तकरीबन -1% की गिरावट है। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ICICI बैंक का पिछले कुछ क्वार्टर्स में NPA बहुत ही ज़्यादा था, तकरीबन 4 से ज़्यादा था, बट इस बार NPAs में बहुत अच्छी गिरावट आई है और वो भी 2.87 है। क्रॉस NPA अभी भी थोड़ा सा इशू है यहाँ पे, बट क्रॉस NPA में भी गिरावट नज़र आ रही है। तो ऑल टर्म्स और ऑल जो रिजल्ट्स है, NPA बोले या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, फिर नेट प्रॉफिट की भी बात करें, तो उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अब हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर रिजल्ट की, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईयर ऑन ईयर की बात करें तो इंटरेस्ट अर्न भी अच्छा नज़र आ रहा है, यहाँ 19% की जंप है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ भी 21% की ग्रोथ नज़र आ रही है। NPAs फिर एक बार अच्छे इम्प्रूवमेंट किए हैं, मतलब ये एक मास्टर स्ट्रोक है ICICI की तरफ से कि उन्होंने अपने NPAs में बहुत अच्छा सुधार किया है। अगर क्रॉस NPA की बात करें तो वहाँ भी मार्जिनल इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। पहले बात तो NPAs मतलब ऐसी असेट्स, नॉन परफॉर्मिंग असेट, ऐसे कुछ लोन्स जो लोगों ने बैंक से लिए बट उसको चुकाए नहीं। तो अगर ये NPS परसेंट ऑफ NPS कम हो रही है तो इसका मतलब है कि बैंक अपने जो बैड लोन से वहाँ से रिकवरी कर रहा है, और यहाँ वैसे ही दिख रहा है कि बैंक ने अपने बैड लोन से रिकवरी किया हुआ है। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ICICI बैंक के जो रिज़ल्ट है उसमें थोड़ी सी 2-3% की गिरावट नज़र आ रही है। तो ओवरऑल बात करें तो रिज़ल्ट बेहतरीन है और स्पेशली NPA पर अगर फोकस करें तो वो शानदार नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हम कुछ अदर्स डिटेल देखते हैं, उतने ही रिज़ल्ट देख के कंप्लीट एनालिसिस हम नहीं कर सकते, तो और डिटेल्स में जानने के लिए मैंने यहाँ कुछ टर्म्स लिखे हैं। पहले बात करते हैं कि NPA अमाउंटिंग, मतलब NPA से उन्होंने तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए की जो अमाउंट है उसको रिकवर किया है। मतलब जो 4,000 करोड़ के जो कुछ बैड लोन्स थे उससे उन्होंने, मतलब उतनी अमाउंट उन्होंने अपने लोन से रिकवर किए, तो उनका NPA इसीलिए कम हो गया क्योंकि जो बैड लोन थे उसको उन्होंने रिकवर कर लिया। तो उससे उन्हें तकरीबन 4,000 करोड़ का बेनिफिट्स हुआ है इन द क्वार्टर थ्री ऑफ फाइनेंशियल ईयर 18-19 में। अब यह बात दूसरी टर्म है कि प्रोविजनिंग रोज टू 18%, तकरीबन 19%। तो प्रोविजनिंग भी कंपनी को बहुत ज़्यादा करनी पड़ी है और प्रोविजनिंग में 19% की ग्रोथ नज़र आ रही है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो इस बार उन्होंने टोटल प्रोविजनिंग 4,200 करोड़ का जिन्होंने प्रोविजनिंग किया है। प्रोविजनिंग का मतलब कंपनी को कुछ अमाउंट्स, अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट्स को एज अ प्रोविजनिंग के तौर पे यूज़ करता है। प्रोविजनिंग मतलब क्या कि अगर ये एक सिक्योर डेट रहता है जिससे कंपनी खुद को सिक्योर कर पाती है, जैसे कि हम अगर हमारी बात करें तो हम लोग हमारी कुछ अमाउंट्स को बैंक में FD करके रखते हैं, दैट इज़ सेफ, और कुछ अमाउंट्स हम म्यूचुअल फंड में डालेंगे, कुछ अमाउंट डायरेक्टली शेयर मार्केट्स में, डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, बट एज अ पर्पज़ ऑफ सिक्योरिटी हम कुछ अमाउंट्स को
हम FD में रखते हैं या फिर मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पे हम सेफ, वो पैसे सेफ रहे, उसका क्या होता है, उसमें कुछ नेगेटिविटी ना आए या फिर वो पैसे कम ना हो, तो कुछ सिक्योर जगह पे हम उस पैसे को रखते हैं जिसे वो हमारे लिए बैकअप रहता है। तो सेम बैंक को भी वैसे ही करना पड़ता है, बैंक ने प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अगर कंपनी को कुछ घाटा हो गया, कुछ हो गया, तो उसको रिकवर करने के लिए कंपनी को प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। तो एक सिक्योर डेप्ट रहता है, एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट रहती है, और उसको कंपनी ने अभी बढ़ा दिया है 19% से। तो ये एक थोड़ी चिंताजनक बात है, बट अगर हम बाकी बैंकों से कंपेयर करें तो हर एक बैंक का प्रोविजनिंग आजकल बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि बैंक जितना प्रोविजनिंग करेगा उतना उनका प्रॉफिट या फिर उनकी जो क्वालिटी है उतनी ही डिग्रेड होती जा रही है। बट आजकल सभी बैंक ने प्रोविजनिंग ज़्यादा करके रखी है। प्रोविजनिंग अगर ज़्यादा करने, आप बोलेंगे इससे क्वालिटी कैसे डिग्रेड होती है? देखिए, अगर कोई कंपनी या फिर कोई बैंक प्रोविजनिंग ज़्यादा कर रहा है तो मार्केट में ऐसा मैसेज जा रहा है कि कंपनी आने वाले कुछ दिनों में और आने वाले कुछ टर्म्स में और कुछ आगे आने वाले कुछ महीनों में कंपनी अपना कुछ लॉस समझ रही है, क्योंकि आने वाले उसमें हो सकता है कि मुझे इतना लॉस हो सकता है, या फिर उन्होंने कुछ दूसरे कंपनीज में इन्वेस्ट किया होगा तो वहाँ से उनको रिकवरी को में भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसकी वजह से प्रोविजनिंग करना पड़ता है। और RBI के ऑलरेडी रूल्स है और उस हिसाब से हर एक बैंक को प्रोविजनिंग करना ही पड़ता है। अब दूसरी बात करें तो सासा का, तो सासा को इसको कासा भी बोलते हैं, तो कासा बोले करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट्स है उनके जो 15% से इंक्रीज हुई, जैसे हम बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, करंट अकाउंट ओपन करते हैं, तो उसके लिए जो उसका जो डिपॉजिट्स है उसमें 15% की ग्रोथ है, मतलब कस्टमर अभी ICICI बैंक की तरफ अट्रैक्ट हो रहे, इसका मतलब ऐसा ही होता है। फिर बात करें कि बैंक का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें भी 21% की ग्रोथ आ रही है। अब नेट इंटरेस्ट इनकम क्या है? समझो मैंने मेरे किसी फ्रेंड से 10 रुपये उधार लिए और मैं किसी मेरे दूसरे फ्रेंड को वो एज अ लोन के लिए दे रहा हूँ। अब जिसको मैं जिससे मैंने लोन लिया उसको मुझे 10 रुपये के बदले में 11 रुपये देने हैं, बट मैंने जो थर्ड पर्सन को लोन दिया था उसको मुझे 11 रुपये 10 रुपये के बदले में 13 रुपये मिल गए। अब इसमें मेरा फ़ायदा कितना हुआ? तो तकरीबन मेरा 2 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, क्योंकि मैंने लिया था लोन 10 रुपये में और वो मुझे देना था उसको 11 रुपये। मुझे जो 10 रुपये मिले वो मैंने मेरे फ्रेंड को दिए और उससे मुझे 13 रुपीज़ मिले, तो तकरीबन 2 रुपये का मेरा फ़ायदा हुआ। बैंक भी ऐसे ही करती है, बैंक पीछे से लोन लेती है, मतलब पीछे से उधार लेती है और आगे कस्टमर को उसको एज अ पर्पज़ ऑफ लोन प्रोवाइड करती है, तो उसमें भी 21% की ग्रोथ नज़र आ रही है। मतलब इसको मार्जिन बोलते, इतना मार्जिन कंपनी को मिला 21% का, ओके, लमसम अमाउंट भी है दी हुई है। अब उसका परसेंट में अगर कन्वर्ट करें तो वहाँ 3.4% की ग्रोथ नज़र आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है कि कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम और मार्जिनल इनकम भी इंक्रीज हो गया है। अब हम बात करते हैं कि ब्रोकरेज हाउस ने कितना इस्टीमेट किया था, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, थोड़ा मैं पीछे स्लाइड पर जाता हूँ और यहाँ देख लीजिए कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसका नेट प्रॉफिट है 1604। बट कुछ ब्रोकरेज हाउस की बात करें जैसे कोटक सिक्योरिटी का या फिर मोतीलाल ओसवाल का, तो उनका ब्रोकरेज हाउस का जो इस्टीमेशन है वो था, कोटक सिक्योरिटी ने बोला था कि कंपनी का जो बैंक का जो नेट प्रॉफिट है जो 1812 आएगा, मतलब उतना ब्रोकरेज हाउस ने जितना इस्टीमेट किया उतना प्रॉफिट ICICI बैंक का नहीं आया। मोतीलाल ओसवाल की भी बात करें तो उन्होंने तो उससे भी ज़्यादा बड़ा टारगेट दे दिया था 2070 का। तो एक्चुअली ये दो जो ब्रोकरेज हाउस ने जो इस्टीमेशन दिया था उतना प्रॉफिट कंपनी का नहीं आया, बट यहाँ पे बट बोलूँगा क्योंकि कंपनी को प्रोविजनिंग थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ी है और NPS में भी अच्छा सुधार नज़र आ रहा है, तो ये थोड़े से प्लस पॉइंट्स है रिजल्ट में। तो मैं बोलूँगा रिजल्ट एकदम ओके ओके है, ना कुछ ज़्यादा है ना मतलब कुछ एकदम एक्सेलेंट रिजल्ट आए ना एकदम बुरे रिजल्ट आए, तो रिजल्ट एकदम ओके ओके कंडीशंस में नज़र आ रहे हैं। बट अगर फिर भी रिजल्ट अगर 1800 के आसपास आते तो मैं बोलता कि ये एक्सेलेंट या फिर आउट परफॉर्मिंग रिजल्ट होते, ठीक है। अब हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं कि FIIs ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग घटाई है, बट म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में भी 1.8% की ग्रोथ नज़र आ रही है, बट FIIs ने अपने तकरीबन -2.5% माल अपना कम कर दिया है। म्यूचुअल फंड की 52 स्कीम में पैसा है, FIIs 981 FIIs यहाँ पे इन्वेस्टेड है,
तो ठीक ठाक यार शेयर होल्डिंग पैटर्न नज़र आ रहा है, बट FIIs थोड़ी सी चिंताजनक बात है कि FIIs ने अपना माल कर दे। एक्चुअली इंडियन मार्केट से आजकल FIIs बहुत सारे एग्जिट होने लगे हैं। इलेक्शन से आने वाले दिनों में मार्केट कैसे बिहेव करेगा कुछ बोल नहीं सकते, तो आजकल FIIs थोड़े इंडियन मार्केट से माल निकालना शुरू कर दिया है। तो उसमें भी एक चिंता की बात है कि यहाँ कुछ ज़्यादा ही माल FIIs ने निकाल लिया ICICI बैंक से। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, बैंक इज़ टोटली कंट्रोल्ड बाय FIIs। ओके, अब देखते हैं हम इसका चार्ट एनालिसिस। अब ये मैंने पिछले 6 मंथ का चार्ट लगा दिया है ICICI बैंक का, तो वो देख सकते हैं आप कि यहाँ काफ़ी उतार चढ़ाव नज़र आ रहा है। यहाँ से इस शेयर ने अच्छा खासा पिकअप पकड़ा था और अच्छी ग्रोथ नज़र आई। बाद में शेयर उसी प्राइस पे काफ़ी समय तक स्टेबल रहा, उसके बाद शेयर काफ़ी आगे बढ़ गया 11 जैन वगैरह को। उसके बाद शेयर में भारी गिरावट नज़र आई और उसके बाद फिर शेयर ने पिछले 2 दिनों से अच्छा ग्रिप, पिछले आज और कल अच्छा सा पिकअप पकड़ा हुआ है। तो ओके, बट ध्यान दीजिए कि जितना ब्रोकरेज हाउस ने एक्सपेक्ट किया था उतना कंपनी का प्रॉफिट नहीं आया। तो मेरे हिसाब से उतना प्रॉफिट आ सकता है, उस हिसाब से ही मार्केट ने अच्छा खासा जंप पकड़ लिया, बट एस्टिमेटेड प्रॉफिट नहीं आया है, ये एक चिंताजनक बात है। MACD के ऊपर की अगर बात करें तो यहाँ ऑलरेडी एक बेरिश क्रॉस ओवर जनरेट हो गया था, उसके बाद मे बी आने वाले कुछ दिनों में यहाँ एक बुलिश क्रॉस ओवर नज़र आए। ओके, फिर बात करें यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो ये तकरीबन 50 के आसपास नज़र आ रही है मुझे, तो ठीक ठाक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, सो व्हाट इज़ माय रिकमेंडेशन? तो अब अगर आप मुझे बोलेंगे रिजल्ट तो अच्छे नज़र आ रहे हैं, NPAs भी में अच्छी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, सो कैन वी बाई, क्या हम इसको बाई करें? तो मेरे हिसाब से यहाँ आप बाई की अपॉर्चुनिटी नहीं बनती। अगर कंपनी अपना प्रॉफिट 1800 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा पोस्ट कर लेती तो मेरे हिसाब से ये एक बाइंग की सिचुएशन बनती थी। कंपनी ऑलरेडी अपने चार्ट के ऊपर हमने देखा कि ऑलरेडी अपने जो टॉप के आसपास ही है, तो उस हिसाब से मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं बनती। आने वाले कुछ दिनों में इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बट अभी थोड़ा मार्केट वोलाटाइल है, एस्टिमेटेड जितने रिजल्ट थे उतने नहीं आए हैं, तो मैं बोलूँगा कि इसमें अभी बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं बनती। अब होल्ड की बात करें तो मैं बोलूँगा यस, होल्ड करो अगर आपने इसको रिसेंटली बाई किया है। तो रिसेंटली मतलब अगर आप इसको अभी लॉस में तो नहीं बेच सकते, क्योंकि आपने अगर टॉप पे बाई किया होगा ऑलरेडी कुछ 4400 के प्राइस पे होगा, तो उस हिसाब से अगर आप इसको कल बेच दे तो मेरे हिसाब से वो अनफेयर रहेगा, आपको लॉस ही होगा। तो थोड़ा दिन वेट करें, मे बी ये शेयर्स अपने अपर बाउंड को फिर एक बार टच कर ले जो उसकी बहुत ही क्लोज है। ओके, तो आप इसको होल्ड करके रखिए। सेल की कंडीशन भी बनती है, अगर आपने इसको 315 के बिलो पे पिकअप किया है तो मेरे हिसाब से आज आप यहाँ पे उसका प्रॉफिट बुक कर लो। मे बी आप कल मार्केट कैसे बिहेव करेगा, मे बी इट गोज़ अप, मे बी इट गोज़ डाउन, तो कुछ बोल नहीं सकते, बट कल आप इसको अगर बेच दे तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि आने वाले दिनों में मार्केट कैसे रहेगा कुछ बोल नहीं सकते। और शेयर की एक साइकिल रहती है, हर बार शेयर अपने अपर बाउंड को जाने के बाद, मतलब जो जितने जल्दी ऊपर जाता है वो उतने जल्दी ही नीचे आता है, ये मार्केट का रूल्स है। अगर आज वो ऊपर जा रहा है तो कल नीचे आना ही है। तो मेरे हिसाब से ये एक बेहतरीन सिचुएशन है जहाँ पर हम इसको बेच के पैसा बना लें। ओके, बट ये मेरा एनालिसिस है, आप खुद भी स्टडी कीजिए और डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट। थैंक यू।